नमस्कार, न्यूज़ क्लिक के डेली राउंडअप में आपका स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं एक बार हेडलाइंस पर। कोरोना से निपटने के लिए आरबीआई के नए फैसले, कोविड-19, मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी, शाहीन बाग अमर रहेगा। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार सुबह ब्याज दरें कम करने, आर्थिक नकदी मुहैया करवाने और लोन वापस करने पर रोक लगाने का फैसला किया है। मांग की कमी में जकड़ी देश की अर्थव्यवस्था पर इन कदमों का असर ना के बराबर होगा। ये फैसला वैसे ही जैसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शुक्रवार को गरीब जनता के लिए ऐलान किया गया राहत पैकेज है, उसी समान है। नरेंद्र मोदी सरकार भारत की डूबती अर्थव्यवस्था को उबारने और वंचित तबके की मदद के लिए किसी भी तरह के व्यापक और साहसिक कदम उठाने से बच रही है और सिर्फ अपर्याप्त नीतियों का ऐलान करती जा रही है, ऐसा मानना है वरिष्ठ पत्रकार परंजय गुहा ठाकुर का। आइए सुनते हैं उन्हें। शनिवार 28 मार्च 2020 सुबह 10 बजे भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर शक्तिकांत दास ने घोषणा किया अलग अलग मौद्रिक नीति में बदलाव, ब्याज दर कम कर दिया और सबसे महत्वपूर्ण उन्होंने ये घोषणा किया कि जो भी आज बैंकों से और सिर्फ बैंकों ने एनबीएफसीज और भी जो भी आज कर्ज लिया है 3 महीना के लिए उनको वापस देना नहीं पड़ेगा और जो भी वर्किंग कैपिटल के लिए भी कर्ज लिया है उनको ब्याज दर नहीं देना पड़ेगा 3 महीना के लिए। यह भी कह दिया कि जो भी उनकी एसेट है इसके क्लासिफिकेशन में कोई बदलाव नहीं आएगा और उन्होंने एक तरह से एक राजनेता की तरह से लोगों को बोला कि आप चिंता मत कीजिए, शांत रहिए। और उनका आधा घंटे से थोड़ा सा ज्यादा जब भाषण दिया वो खत्म किया एक तरह से जो राजनेता कहते हैं, स्टे क्लीन स्टे सेफ गो डिजिटल, साफ रहिए सुरक्षित रहिए और डिजिटल चल जाइए। फिर भी ये कहा, वो खुद आशावादी है, फिर भी वो उनका भाषण में उन्होंने कहा कि कभी उन्होंने इस तरह से अनिश्चितता नहीं देखा, अनप्रीसीडेंटेड अनसर्टेंटी। और ये बोला कि इतना अनिश्चित पूरा अर्थव्यवस्था का स्थिति है, आने वाले दिनों में मुद्रास्फीति कहां रहेगा, भारतवर्ष के जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद किस रफ्तार से बढ़ेंगे, इसके ऊपर वो कुछ कहने नहीं चाह रहे। और ये जो मौद्रिक पॉलिसी का जो समिति है इसमें 6 सदस्य है, 4 मानल्य और 2 कम राय अलग था, इतना ही हमें इस वक्त मालूम है। अब 2-3 मोटा सवाल होते हैं, ये जो ब्याज दर है ये किसके लिए, ये किसके लिए महत्वपूर्ण है? बड़े कॉर्पोरेट्स जिन्होंने बड़े बड़े पैसा बैंकों से लिया, मगर ये जो नया कर्ज लेंगे उनके लिए है? सवाल उठता है कि इस वक्त लोग तो लोन नहीं ले रहे, कर्ज नहीं ले रहे। निर्मला सीतारामन देश के वित्त मंत्री भारतीय रिजर्व बैंक शक्तिकांत दास के भाषण के बाद उन्होंने ट्वीट किया, वो कहा कि बैंकों को ये जो ब्याज दर भारतीय रिजर्व बैंक ने एक तरह से सिग्नल किया करना चाहिए, कम कर दीजिए ब्याज दर। कुछ दिनों से भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों को यही कह रहे हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक के पास पैसा मत रखो, जो आज लोन मांग रहे हैं जो कर्ज मांग रहे हैं उनको दो, प्रोडक्टिव पर्पसेस, जिस तरह से कुछ उत्पादन बढ़ेगा। समस्या और कुछ है, आज अर्थव्यवस्था का इतना बुरा हालत है तो लोग कर्ज क्यों लेंगे, निवेश क्यों करेंगे? अगर उनका मांग बढ़ेगा तो निवेश करेंगे। तो कहना इतना ही है कि हां
ये जो व्याज दर इन्होंने कम किया, ये अर्थव्यवस्था के ऊपर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। भारत में जारी लॉकडाउन के बीच भी कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब तक देश में संक्रमण के 750 से अधिक मामलों की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें 17 लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में जानलेवा कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की तादाद बढ़कर 5,00,000 से अधिक हो गई है और 24,000 से अधिक लोगों की जान इसमें जा चुकी है। वहीं दुनिया भर में 1,20,000 से ज़्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए देश भर में लॉकडाउन और 144 के तहत कर्फ्यू की स्थिति है। ऐसे मामलों में सभी को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग के लोग तो किसी तरह से जीवन यापन कर भी ले रहे हैं, लेकिन उन लोगों के हालात बद से बदतर हो गए हैं जो समाज में हाशिए पर हैं। इसमें हमारे देश का मुसहर समाज भी शामिल है। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के कोइरीपुर गांव में कुछ मुसहर लोग गेहूं के खेत में पैदा होने वाले अंकुर नामक फसल को निकालकर खुद ही खा रहे थे और अपनी भेड़ बकरियों को भी खिला रहे थे। यहाँ की चंद्रावती बताती हैं कि जनता कर्फ्यू के दिन बच्चे दिन भर भूखे थे, उस दिन उन्हें कुछ भी खाने को नहीं मिला था। दिन भर भूख से उधर उधर तड़प रहे थे, फिर उसके अगले दिन भी खाने को नहीं मिला। जब उनसे भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो वे लोग खेत में जाकर अंकुरी ही खाने लगे। लॉकडाउन का सबसे बुरा असर प्रवासी खासकर दिहाड़ी मजदूरों पर पड़ा है। इनका रोजगार छिन गया है और ये अपने अपने घर लौटने को विवश है। सार्वजनिक परिवहन पर पाबंदी के कारण इन्हें पैदल ही घर जाना पड़ रहा है। अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो ये मजदूर दिल्ली NCR से बिहार, राजस्थान, UP और हरियाणा तक की यात्रा पैदल करने को मजबूर हैं। वहीं महाराष्ट्र के शहरों मुंबई, पुणे तो गुजरात के बड़े शहरों सूरत, अहमदाबाद, लगभग पूरे देश से इस तरह प्रवासी मजदूर के पैदल सफर की कहानियां सामने आ रही हैं। ऐसे में क्या वित्त मंत्री द्वारा घोषित वित्तीय पैकेज काफी होगा? आइए सुनते हैं क्या कहना है अनिंदो चक्रवर्ती का। निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज, चाहे वो गेहूं हो या चावल हो, वो मुफ्त में बांटा जाएगा अगले 3 महीनों के लिए। क्यों? क्योंकि अगर लॉकडाउन हो रहा है 21 दिन का और उसके बाद काम भी नहीं मिलेगा तो उनको मुफ्त अनाज की जरूरत पड़ेगी। साथ में हर परिवार को, राशन कार्ड वाले परिवार को, 1 किलो दाल हर महीने मुफ्त दिया जाएगा। किन लोगों को मुफ्त दिया जाता है? गरीब लोगों को ना, गरीब है इसीलिए दिया जा रहा है। अगर 80 करोड़ है तो वो लगभग हमारे देश के आबादी का 57% होता है। और ये सिर्फ निर्मला सीतारमण जी ने जो 5 किलो फ्री में दिया वो नहीं है। आप देखिए कि उससे एक दिन पहले प्रकाश जावड़ेकर जी ने कहा था कि 3 महीने के लिए एक नया स्कीम लॉन्च किया जा रहा है, जिसके बारे में निर्मला सीतारमण जी ने भी कहा, जिसके चलते हर आदमी को, जो राशन कार्ड होल्डर है, 80 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति हर महीने 7 किलो चावल या गेहूं दिया जाएगा। चावल 3 रुपए किलो, गेहूं 2 रुपए किलो। निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि ये जो मुफ्त 5 किलो और मिलेगा 3 महीने तक, प्रकाश जावड़ेकर का स्कीम भी 3 महीने का है, निर्मला सीतारमण जी का भी जो अनाउंसमेंट है वो भी 3 महीने का है, ये जो 5 किलो मुफ्त मिलेगा वो पहले जो मिल रहा है उससे भी ज्यादा, यानी कि 7 किलो कम पैसे में और 5 किलो और मुफ्त। अब आप कहेंगे कि ये खाना तो ठीक है मिल गया मुफ्त का, लेकिन बनाएंगे कैसे? बनाने के लिए तो कुछ चाहिए, चूल्हा का खर्चा है, गैस का खर्चा है। अब क्या किया है सरकार, 80 करोड़ लोगों को ये दे दिया है। साथ में सरकार कह रही है जितने भी उज्ज्वला स्कीम में लगभग 8.5 करोड़ लोगों को, औरतों को फ्री उज्ज्वला स्कीम में पहला उनको जो LPG का गैस सिलेंडर मिला था, अब उनको अगले 3 महीने तक जब भी ज़रूरत होगा फ्री LPG का गैस सिलेंडर उनके पास डिलीवर किया जाएगा। साथ में अगर आपको सब्जी खरीदना है, आपको फल खरीदना है, दूध खरीदना है, अंडे खरीदने हैं, मांस मछली खरीदनी है, तो उसका पैसा कहाँ से आएगा? काम तो मिलेगा नहीं अगले 21 दिनों तक। और हम जानते हैं ज़्यादातर हमारे देश में जो लोग हैं उनको
पेड लीव नहीं मिलता है, वो अगर काम ना करें उनको पैसे नहीं मिलेंगे क्योंकि वो दिहाड़ी में काम करते हैं। लगभग 90% लोग हमारे देश में, उनको पेड लीव नहीं मिलता है। अब आप सोचिए इनको पैसे कहाँ से मिलेंगे। तो सरकार ने क्या किया है कि पीएम किसान के अंतर्गत लगभग 8.5 से 9 करोड़ जितने भी लोगों को इसका फ़ायदा पहुँचता है, 8 करोड़ 70 लाख के आसपास लोग हैं जिनको ये फ़ायदा पहुँचते किसान है, उनको 2000 रुपये का जो किश्त मिलने वाला था जून के अंत में, वो अभी मिलेगा, अप्रैल में मिलेगा, हाथ में 2000 रुपये आ गए। अब जितने भी जनधन योजना वाले महिलाएं हैं जिनके पास जनधन का अकाउंट है, उनको सबको हर महीने अगले 3 महीने तक 500-500 रुपये मिलेंगे। तो आप देख लीजिए, छोटे किसान, मझले किसान जो है, छोटे किसान या सीमांत किसान है, उनको 2000 रुपये अभी हाथ में आ जाएगा। फरवरी के एंड में 1-2000 आया था, साथ में 500 रुपये महिला के अगर अकाउंट हो महिला का तो वो हाथ में आएगा। साथ में घर में अगर विधवा माँ हो या बुजुर्ग हो उनको भी 500-500 रुपये मिलेंगे। इसका मतलब क्या है कि सरकार खुद मान रही है कि हमारे देश में ज़्यादातर लोग गरीब हैं और उनको मुफ्त खाना, मुफ्त बिजली, मुफ्त ऊर्जा देने की ज़रूरत है। अगर नहीं देंगे तो वो ये जो लॉकडाउन है या अभी जो आर्थिक मंदी आने वाली है उसके बाद, सरकार खुद एक्सपेक्ट करिए कि 3 महीने तक तो चलेगी, इसके बीच उनको अगर आप इस तरीके से सहायता नहीं करेंगे तो वो अपना जीवन नहीं चला पाएंगे। 30 साल में मैं कहूँगा पहली बार, या कम से कम 20 साल में तो पहली बार मैं कहूँगा कि कोई सरकार मान रही है कि इतना जो हमने पूंजीवाद मार्केट किया इतने साल से, वो फ्लॉप शो है। एक और चीज़ सरकार कर रही है, 21 दिन बाद जब लॉकडाउन होने के बाद अगर घर से लोग निकले उनको काम नहीं मिल सकता है, हो सकता है उनको काम ना मिले, इसलिए आप देखेंगे कि हो सकता है मनरेगा के अंतर्गत ज़्यादा काम दिया जाए। बहुत थोड़ा बढ़ाया गया है डेली का जो उनका जो उनको मजदूरी मिलती है उसको 20 रुपये बढ़ा दिया गया है। अगर 100 दिन पूरे साल में मजदूरी मिलेगी तो 2000 रुपये उनके बनेंगे। आप कहेंगे 2000 में होता क्या है? याद रखिएगा कि हमारे देश में ज़्यादातर लोग बहुत ही गरीब है, 2000 उनके लिए बहुत कुछ होता है। और सबसे ज़रूरी बात यह है, ये सारा पैसा, हाँ मनरेगा वाला पैसा तो काम करके मिलेगा, बहुत सारा पैसा जो आ रहा है इस वक्त वो बिना काम के मिल रहा है। ये एक तरीके का साम्यवाद है। साम्यवाद किस टाइप का साम्यवाद है? वो साम्यवाद नहीं जहाँ पे काम दिया जाता है लोगों को, ये माई बाप सरकार वाली साम्यवाद है। ये ऐसा साम्यवाद है, सोशलिज्म है, जिसमें सरकार गरीबों को हाथ में पैसे डाल रही है ताकि पूंजीवाद बच जाए। क्योंकि दुनिया भर में कोरोना वायरस ने एक चीज सामने ला दिया है कि जो भी पूंजीवाद वाले कंट्रीज हैं, जो मार्केट वाले कंट्रीज हैं, जहां पे कहा जाता है कि खुद अपने आप को संभालो तो पूरा जो समाज है वो संभलेगा, अपने मुनाफे की सोचो तो पूरे समाज का मुनाफा होगा, वहां पे लोग मर रहे हैं, तेजी से मर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने उनके लिए कुछ नहीं किया। सरकार ने मेडिकल पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, ये आप देख रहे हैं, चाहे यूरोप हो, अमेरिका हो, कहीं पे भी देखेंगे यही हाल है। तो पूंजीवाद को अगर बचाना होगा, क्योंकि पूंजीवाद डूब रही है, पूंजीवाद को बचाना है तो इसलिए सरकार खर्चा कर रही है, लोगों के हाथ में पैसे दे रही है, माई बाप सरकार बना रही है, नौकरी नहीं देगी, नौकरी देने की क्षमता नहीं है, हाथ में पैसे 3 महीने के लिए। तो ये 3 महीने का साम्यवाद आया है 60% देश के गरीबों के लिए। शाहीन बाग के धरना स्थल पर दिल्ली पुलिस ने बुलडोजर चलवा तो दिया है। 100 से अधिक दिनों तक चले इस आंदोलन ने देश में विरोध का परिभाषा बदल दिया। लाख उकसावे और लांछनों के बावजूद इन महिलाओं ने अपना संयम नहीं खोया। शायद आजाद भारत में महिलाओं का ऐसा आंदोलन पहले कभी देखा नहीं गया था। आज शाहीन बाग में भले ही कोई महिला धरने पर नहीं बैठी है, लेकिन शाहीन बाग की दादियां एक विचार बनकर हमेशा हमेशा के लिए भारतीय के जहन में रच बस गई हैं। शाहीन बाग अमर रहेगा। आइए देखते हैं कारवाने मोहब्बत द्वारा बनाया गया यह वीडियो। न कप कपाती ठंड, न लोगों की धमकियां और ना ही पुलिस बलों की तैनाती हटा सकी शाहीन बाग की महिलाओं को। 100 से अधिक दिनों तक धरने पर बैठी शाहीन बाग की महिलाओं ने देश में शांतिपूर्ण प्रदर्शन का नया कीर्तिमान रचा है। पूरी दुनिया हैरतअंगेज नजरों से देखती रही दिल्ली के शाहीन बाग को।
14 दिसंबर 2019 को शाहीन बाग की कुछ महिलाएं CAA, NPR, NRC के खिलाफ एकजुट हुईं। इनके प्रदर्शन को धीरे धीरे जन समर्थन मिलने लगा। इसमें हजारों लोग स्वेच्छा से जुड़े और प्रदर्शनकारियों के लिए खाने पीने का इंतजाम किया। दरिया तो भर गई, मैं अब सैलाब हूँ। नजर घुमा, मैं हर शहर का शंखबा हूँ। दबा सके ना 100 तूफान, मैं वो परवाज हूँ। दुआ के देख, औरत हूँ और इंकलाब हूँ। शाहीन बाग की औरतें कपकपाती ठंड में इस इंतजार में बैठी रहीं कि प्रधानमंत्री उनकी आवाज सुनेंगे। इस प्रदर्शन ने देश के दूसरे हिस्सों की महिलाओं को भी प्रेरित किया। लखनऊ, मुंबई, प्रयागराज, नागपुर, चेन्नई, गया, पटना, इंदौर। महिलाओं के इस आंदोलन को अभूतपूर्व समर्थन मिला और दूसरे शहरों में भी शाहीन बाग बनने लगे। इन शाहीन बागों ने कई कलाकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और वक्ताओं का ध्यान अपनी ओर खींचा। हर मंच पर प्रतिरोध की कविताएं पढ़ी गईं और गीत गाए गए। तानाशाह आके जाएंगे हम कागज नहीं दिखाएंगे, तानाशाह आके जाएंगे हम कागज नहीं दिखाएंगे। तुम आंसू गैस उछालोगे, तुम जहर की चाय उबालोगे, हम प्यार की शक्कर घोल के उसको गट 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 पी जाएंगे। हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे। CAA, NPR, NRC के खिलाफ विरोध प्रदर्शन 100 दिनों तक चलता रहा। इन महिलाओं पर इल्जाम भी लगा कि इन्होंने रास्ता बंद कर दिया, इन्हें बिकाऊ तक कहा गया। गोलीबारी की घटना का शिकार भी हुआ शाहीन बाग। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए। सर्दी की एक रात में एक मासूम की जान चली गई। हिंदुत्ववादी संगठनों ने शाहीन बाग को खाली कराने की कई बार धमकियां दी, इन्हें देशद्रोही कहा गया। दिल्ली के भयानक दंगे के बाद भी शाहीन बाग की औरतों ने अपने शांतिपूर्ण और रचनात्मक प्रदर्शन को जारी रखा था। आज जब पूरे विश्व और भारत कोरोना वायरस जैसी महामारी की चपेट में है, शाहीन बाग को मानव जाति के अदस्य साहस और धैर्य के प्रतीक के तौर पर याद रखा जाएगा। शाहीन बाग के धरने ने देश के सामने एक मिसाल पेश की है। शाहीन बाग अमर रहेगा, शाहीन बाग जिंदाबाद। आज के डेली राउंडअप में बस इतना ही। हम कोशिश करेंगे कि लगातार आपके पास इन खबरों को लाते रहें। इन सभी खबरों को विस्तार में जानने के लिए आप जा सकते हैं न्यूज़ क्लिक की वेबसाइट पर, हमें फॉलो कीजिए फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।